15 एमसी ते 89 सरपंच बैठे ने खड़े करके वे किसी लीडर का इन्हों तो कोई प्रभाव नहीं। चाप खलूसी करने वाले लोग वोटा नहीं। पहले मेरी गल सुन लो, ये 10:30 बजे तक बैठे थे सारे जिम्मेवार आदमी, तो दो बंदे मैंने कहे लै के आए हो ताजा प्रधान ते ताजे प्रभारी मेरे ना जाके प्रोग्राम बना के आए सी कि तुसी अपना दफ्तर पहले मुख दफ्तर खोल लो। मैं कोई प्रोग्राम नहीं जान गया ताजे को, ताजा प्रोग्राम मैंने दे के गया है कि असी उतों की लंघ दिया दो साढ़ा 15 मिनट का प्रोग्राम से सिर्फ साढ़ा कोई प्रोग्राम लंबा नहीं। तुम फीता कटना से हूँ भी जो तुम दफ्तर को खोलना चाहते हो ताकि मर्जी है, नहीं खोलना चाहते ताकि मर्जी, पर मैं एक चीज दस रहा हूँ कोई मेहरबान की लोड़ नहीं। एक चीज मैं दस देना चाहना, अपनी पिछली इलेक्शन का रिकॉर्ड कट के वेख लो, बटाले हल्के जो भी लीड किया बीजेपी का कैंडीडेट इन्होंने लोगों ने विरोध लीड किया जिन्हों लोगों ने पंथ की खातर ढाजे उत्ते भरोसा करके श्रोमणी अकाली दल करके वोटा बीजेपी पाइया क्योंकि साडा लायंस बन गया। और मैं सिर्फ अपनी पार्टी की शुरू में ढाबा प्रोग्राम ने कैंसल ही किया, मैं सारे केले कुले ला के खुआ के तोड़ने लगा जी। कोई हद होनी चाहिए मैं अपनी पार्टी वालों दसो ता हद कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए करना, इस प्रोग्राम की तोड़ा कि सानू दसा जाए। आप पूछा ताजा प्रधान का प्रोग्राम बना के लिया, मैं सदा नहीं या मैं प्रोग्राम मंगया नहीं। जे तुम इस तरीके ने इलेक्शन लड़नी हो तो फिर तक इलेक्शन लड़ना कोई फायदा नहीं। मैं तेरे मुंह से कहूंगा जो लोग जो एमसी की इलेक्शन लड़ने फिरते हैं उन्होंने लोगों ने पार्लीमेंट की इलेक्शन नहीं लड़नी। और मैं तुम साफ समझा कह रहा, मैं हल्के का इंचार्ज हूं, जाके जाओ बादल साहब को कह के अपने हल्के का इंचार्ज बदलो। जे मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं अपने कंट्रोल थले लड़ूंगा क्योंकि यदि लैन देन जिम्मेवारी सारी मेरे से आएगी। सोच करके वेरी क्लीयर ढंग ने पहले मैं गल की, असि इना लंबा समा बंदा जिम्मेवार बंदा पाया 4 घंटे तक बैठे हैं उसे प्रोग्राम जो लंबा से तुम 10 मिनट साढ़े को होकर जाते तुम्हें प्रोग्राम नहीं बना के गए, ताजा प्रभारी साढ़े प्रोग्राम बना के गए। जो ढांडा अपना तालमेल ही नहीं गया तो लोगों को खराब क्यों करते हो। सो इस करके मैं गलते अच दिलो औखा, मैं महसूस कर रहा कि तुम रूरल एरिया में लोगों की बड़ी बीती की है बुरे महल तुर पे जे ढे तो फिर मन के गल ही जी कोई नहीं है ना। ये लोग बैठे ने फिर देना प्रति सत्कार दे ता कसूर ही कोई तू तो जिदा गाय के गल च नशा पाया हों कैंडीडेट तो जो कहना हों अभी कहते जाने इलेक्शन करते हैं वो अभी समझते हैं गल ठीक है, पर अभी तो अलर्ट किया कि बचोगे तो टगे रहो अभी तो साफ लग जाए कि लैके बह जाएंगे क्योंकि इन्हें 19,000 से 22,000 से सीटा हराइया सी